हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 37 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 37 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 38वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी यानी 2L दे रखी है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इक्वल और अपोजिट चार्ज है। 2L कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.53 गुणा 10^-10 मीटर और क्यूब 1.6 गुणा 10^-19 पी ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। Q कितना है? 1.6 गुणा 10^-19 और 2L कितना है? 0.53 गुणा 10^-10। अब 16 का इसमें गुणा कर दो, 16 3 48 की 8 हासिल 4, 16 5 80 और 4 84, 1 2 3 पॉइंट के अंक बाद, 3 अंक बाद, तो 0.84 गुणा 10^-29। पॉइंट को एक अंक पीछे ले आए तो 8.48 10^-30 कूलम इनटू मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है क्वेश्चन नंबर 39। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10^-3 कूलम इनटू मीटर है। तो द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा P, क्या होता है P, तो P का मान दे रखा है 3.4 गुणा 10^-30। तो देखो बेटा P का मान दे रखा है 3.4 गुणा 10^-3। ठीक है बेटा, आयनों की मात्रा तथा 1.6 गुणा 10^-, आयनों के बीच की दूरी 2L पूछी है। क्या पूछिए बेटा? 2L पूछी है। तो मैंने 2L पूछा है, Q कितना है? 1.6 गुणा 10^-19। तो सूत्र वही लगाएंगे, P बराबर Q इंटू 2L, तो 2L बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2L बराबर P अपॉन Q, 2L बराबर क्या हो जाएगा बेटा? P अपॉन Q, P अपॉन Q। अब P की वैल्यू ये रखनी है हमें, Q की वैल्यू ये रखनी है, यहाँ से 2L निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है? किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रो कूलम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रो कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A माइनस 2 मिलीमीटर (0, 0) तथा B प्लस 2 मिलीमीटर (0, 0) पर स्थित है, इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये दो है, एक आवेश ये, एक आवेश ये, तो QA कितना है? QA कितना है? प्लस 1.5 माइक्रो कूलम। QB कितना है? माइनस 1.5 माइक्रो कूलम। A के कोऑर्डिनेट है माइनस 2, 0, 0, B के 2, 0, 0। तो यहाँ पे देखो बेटा, X अक्ष Y अक्ष पर शो करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को, तो ये X के माइनस को शो कर रहा है, ये X के प्लस को शो कर रहा है। तो X के माइनस में 2 मीटर दूरी है, X के प्लस में 2 मीटर दूरी है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। तो चित्र से 2L कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक, 2 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितना हो गया? 2 और 2 4, तो 4 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर को मीटर में बदल दो, 4 × 10^-3 मीटर। ठीक है बेटा, 4 × 10^-3 मीटर हो जाएगा। अब P बराबर Q इंटू 2L, अब देखो वाई एच पे इसीलिए नहीं रहा क्योंकि 0, 0 है, तो वो तो मूल बिंदु पर ही रहेंगे। तो अब लगा देंगे P बराबर Q इंटू 2L, और Q कितना दे रखा था बेटा? 1.5 माइक्रो कूलम। तो Q का मान रख देंगे बेटा 1.5 गुणा 10^-6, चूंकि माइक्रो कूलम में, और 2L ये निकल गया 4 × 10^-3, 15 × 60 यानी 6.0, 6 और 3 कितने हो गए? 9, तो 6 × 10^-9 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा 41वां क्वेश्चन। 41वें में क्या कहा है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणा 10^-12 मीटर है, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इसने कहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा जब विराम अवस्था में हो और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर, तो जो जब बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण केवल रेस्ट अवस्था के लिए, मूविंग अवस्था के लिए नहीं है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा तो ये कितना होगा, ये तो डेफिनेटली शून्य होगा। हाँ भाई, विराम अवस्था में हो तब ज्ञात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश तो बराबर होता है, लेकिन परिमाण में बराबर होता है और प्रकृति में क्या होता है बेटा, विपरीत होता है। तो पहले प्रोटॉन पर आवेश लिख लेंगे, प्रोटॉन पे आवेश या इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, और 12 कितना दे रखा है, 0.53 × 10⁻¹² तो यहाँ लिख देंगे बेटा 0.53 × 10⁻¹². P निकालना है हमें, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो P बराबर Q इंटू 12। ठीक है, तो Q की वैल्यू रख देंगे बेटा ये, 12 की वैल्यू रख देंगे ये, तो यहाँ पे मान रखेंगे इनका और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे, Q का मान ये रखना है, 12 का मान ये रखना है, और यहाँ से P निकाल लेना है। ठीक है बेटा, और इसका आंसर आएगा ये 8.48 × 10⁻³² कूलम इनटू मीटर। इसके बाद बेटा 42वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, 3 आवेश −Q + 2Q − Q समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी P ज्ञात करना है टोटल। तो बेटा एक सिरे पर माइनस क्यू रखा है, दूसरे सिरे पर भी माइनस क्यू रखा है, और दूसरे सिरे पर जो ये प्लस टू क्यू था, प्लस टू क्यू आवेश, इसे हमने दो जगह लिख दिया है, इधर एक इधर की साइड प्लस क्यू और इधर की साइड प्लस क्यू। ठीक है बेटा, तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, तो टोटल क्या वैद्युत द्विध्रुव हो गए अपने पास, दो वैद्युत द्विध्रुव हो गए। और 12 के स्थान पर दूरी कितनी दे रखी है बेटा, ए दे रखी है, 12 के स्थान पर दूरी कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, जैसे ये भुजा उसकी है, तो समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण कितने अंश के होंगे, 60 अंश के होंगे, सभी कोण कितने अंश के होंगे बेटा, 60 अंश के होंगे, तो यहाँ से चित्र से निकाल लेंगे BC द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी BC जो द्विध्रुव है, ये बी और सी, तो BC जो द्विध्रुव है उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो BC का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो BC द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P1 बराबर Q इंटू 12 होता है, लेकिन बेटा Q तो है लेकिन 12 के स्थान पर क्या दे रखा है, A दे रखा है, तो P1 बराबर Q इंटू A। अब AB का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे, तो AB द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P2 बराबर Q इंटू A। अब देखो बेटा ये कितने अंश के कोण पर हैं, 60 अंश के कोण पर हैं, और 60 अंश के कोण पर है, और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होती है, तो 60 अंश के कोण पर सदिश राशि है, तो समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा इसका परिणामी निकालेंगे, तो बिंदु P पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर √ P1² + P2² + 2P1P2 cos θ। समबाहु त्रिभुज है इसलिए थीटा कितना होगा बेटा, 60 अंश होगा, समबाहु त्रिभुज है थीटा कितना होगा, 60 अंश। लेकिन इन दोनों सूत्रों से हमें स्पष्ट होता है कि P1 P2 के बराबर है, चूँकि P1 बराबर Q इंटू A है, P2 बराबर Q इंटू A है, तो P1 P2 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने बेटा P2 के स्थान पर P1 रख सकते हैं, तो P1² हो जाएगा, P2 P1 के बराबर है, तो P1 हो गया ये, और थीटा कितना है बेटा, 60 अंश, चूँकि संभाव त्रिभुज है, तो P1² 2P1² हो जाएगा, ये 2P1² है, cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये P1² बचेगा, तो बेटा 2 और 1 कितने हो गए, 3 P1² हो जाएगा, तो √3P1 बचेगा, चूँकि P1² का √ हट जाएगा, P1 पे स्क्वायर लगा है उससे √ हट जाएगा, तो √3P1 बचेगा। P1 का मान कितना है बेटा, QA, तो P1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, QA, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बेटा। ठीक है, कूलम इंटू मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 43। 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस 7 कूलम तथा माइनस 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस 7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 12.0 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो बेटा 2L कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। R कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। और अक्ष पे पूछा है, तो अक्ष की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1.4π ε2π/r³। तो वही सूत्र लगाना है, Q दे रखा है हमें ये। तो देखो बेटा Q कितना दे रखा है, 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस के साथ, 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस के साथ। और 2L कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा यहाँ पर Q एक ही लिया जाता है, जैसे ये दो मान दे रखे हैं Q के, दोनों मान नहीं लिए जाते, गणना में एक ही मान लिया जाता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी तो यही कहती है, दो बराबर विपरीत आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल। ठीक है बेटा, तो 2L कितना है, 1 सेंटीमीटर। R कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो 2L है बेटा 1 सेंटीमीटर, मीटर में लाएंगे तो 1 × 10⁻²⁰ मीटर हो जाएगा। R कितना है, 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻²⁰ मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे, तो P बराबर Q इंटू 2L। Q कितना है बेटा, 5 × 10⁻⁷, तो यहाँ लिखते हैं 5 × 10⁻⁷। 2L कितना है बेटा, 1 × 10⁻²⁰, तो 5 × 10⁻⁹ कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, 5 × 10⁻⁹⁹ कूलम इंटू मीटर। अब अक्ष पर तीव्रता निकालेंगे, E बराबर 1/4π ε₀ 2π/r³। अब बेटा 1/4π ε₀ की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 10⁻⁹ 2। पी का मान ये निकाला 5 × 10⁻⁹ 9, तो 5 × 10⁻⁹ 9। आर का मान कितना है बेटा, 50 × 10⁻²⁰ 2, तो आर की जगह पे लिख देंगे 50 × 10⁻²⁰ 2 का क्यू। अब 50 का क्यू कितना हो जाएगा, 125 के जीरो है, तो 3 जीरो आ जाए, 1, 2, 3, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है बेटा, 10 का इसमें गुणा कर दो, कितने हो गए, 90। अब देखो बेटा 1, 2, 3, 3 जीरो से इसकी 3 घातें कम कर देंगे, तो कितनी बचेगी, माइनस की 3 घातें, माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाओ, किसकी होगी बेटा, प्लस की होगी। ये 125 का 90 में भाग दे दो, तो 0.72 × 10⁻³ कितना आ जाएगा, 3। तो 0.72 × 10⁻³ क्या होता है, 1000। 1000 का इसमें गुणा कर दो, तो 2 जीरो से 2 अंक का पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 720 न्यूटन प्रति कूलम। कितना आ जाएगा बेटा, 720 न्यूटन प्रति कूलम। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, दो आवेश 2.4 μC − 2.4 μC एक दूसरे से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये 2L दे रखा है, द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि द्विध्रुव को 90° से घुमा, तो बेटा 90° से जब द्विध्रुव को घुमाएंगे तो अक्षीय रेखा स्थिति बन जाएगी। अभी इसने तीव्रता निरक्षीय रेखा स्थिति में पूछी है, और जैसे ही 90° से घुमाया जाएगा तुरंत वो किस में बन जाएगी, अक्षीय रेखा स्थिति बन जाएगी। तभी तो आंसर इसका 2 गुना दे रहा है। तो देखो बेटा क्यू कितना दे रखा है हमें, 2.4 × 10⁻⁶ हो जाएगा। 2L कितना है, 2.5, उनके बीच की दूरी बेटा यही तो 2.5 × 10⁻³, तो 2.5 × 10⁻³। R कितना है बेटा, 0.30 मीटर, और E निरक्ष ज्ञात करना है, E अक्ष ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे पहले, जैसे उसमें निकाला था P बराबर Q इंटू 2L। Q कितना है बेटा, 2.4 × 10⁻⁶ 2L कितना है, 2.5 × 10⁻³ 25 का गुणा कर दो, 25 × 4 = 100 × 0 हासिल 10, 25 × 2 = 50, 50 × 10 = 60, यानी पॉइंट के अंक बाद 1, 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 6.0 हो जाएगा। 6 और 3 कितनी होगी, 9। तो ये पी निकल आया। अब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है बेटा, ई बराबर 1/4π ε₀ p/r³। और 1/4π ε₀ का मान लग दो 9 × 10⁻⁹ P का मान 6 × 10⁻⁹ −9, R का मान 0.30 का क्यू। इसका बेटा पॉइंट हटा के पहले 0 बढ़ा लो 2, तो 30/10, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 9×6 = 54, ये प्लस के 9, ये माइनस के 9। तो देखो बेटा ऊपर कितने बचे, 54, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27, और 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000। 1000 को बेटा पहली चौथी करके ऊपर भेजेंगे तो 54 × 1000 / 27, 27 से 54 के बार कट जाएंगे, 2 बार कट गए,
और 1000 को लिख देंगे 2×10^3। तो पहला आंसर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी आ गई, 2×10^3 न्यूटन प्रति कूलाम। अब क्या है बेटा, यदि द्वि ध्रुव को 90 अंश से घुमा दिया जाए, तो घुमा देंगे तो अच्छी स्थिति बन जाएगी, और अच्छी स्थिति में तीव्रता दोगुनी होती तो 2×10^3 कितना आ जाएगा, 4×10^3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे ये पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। और बेटा बाकी सभी चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए हैं, एक एक करके आप पूरी बुक के न्यूमेरिकल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।